नमस्ते बेटा जी। नमस्कार। और सब ठीक है सर? चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए अब आप पीडीएफ फाइल निकाल लो, अपनी पीडीएफ फाइल निकाल लो बेटा। चलिए कौन सा क्वेश्चन कराना बेटा आज? क्वेश्चन नंबर वन कराते हैं आज। कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर वन ऑन द स्क्रीन। देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन नंबर वन आ चुका है, पढ़िए। एक कंपनी रनिंग द प्लांट एट प्रेजेंट 50% कैपेसिटी। 50% मतलब क्या है? अभी जो काम कर रही है वो 50% काम कर रही है। मशीन की कैपेसिटी तो पूरी 100% होती है, लेकिन काम कितने हो रहा है? 50% हो रहा है, ये मतलब इसका। द मैनेजमेंट हैज सप्लाइड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। मैनेजमेंट कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट बता रखी है, एक यूनिट की कॉस्ट बता रखी है उन्होंने कि डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपीज, डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड 6 रुपए, फिक्स्ड ओवरहेड 4 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? सही, टोटल कॉस्ट आ रही है 16 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 16 रुपए। प्रोडक्शन पर मंथ 40,000 यूनिट, मतलब 50% पर यार 100% काम हुआ तो 80,000 यूनिट बनेंगी उस मशीन से। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 40,000 × 16, 640,000। सेल्स प्राइस दे रखा है 560,000, लॉस 80,000 लॉस आ गया। एंड एक्सपोर्टर ऑफर टू परचेज 10,000 यूनिट पर मंथ 13 रुपए पर यूनिट। एक एक्सपोर्टर आया बोला कि 10,000 यूनिट देख दो 13 रुपए के हिसाब से। एंड द कंपनी हेजिटेटिंग इन एक्सेप्टिंग द ऑफर, और कंपनी हेजिटेट कर रही है, अपने आप को असहाय महसूस कर रही है द ऑफर ड्यू टू द फियर, और डर रही है इट विल इंक्रीज इज ऑलरेडी ह्यूज ऑपरेशन लॉसेस। उसे पहले लॉस हो रहे हैं, वो डर रहा है कि 10,000 रुपये का 10,000 यूनिट का मुझे ऑफर आ गया और वो भी 13 रुपये मांग रहा है तो ये मुझे पहले ही नुकसान हो जाएगा, तो वो डर रहा है। तो कह रहा है एडवाइज बेटर द कंपनी शुड एक्सेप्ट और डिक्लाइन दिस ऑफर। तो कह रहा है उस एक्सपोर्टर का ऑर्डर जो है मना कर देना चाहिए या उसका स्वीकार करना चाहिए। तो सर जी पहले आप देखोगे एडजस्टिंग में हम क्या कमा रहे थे और फिर प्रपोज में क्या कमा रहे थे। सर आपको इसी का जो डिफरेंस आएगा वो देखते हैं कैसे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, बस कराना पड़ेगा हैं। हाँ कौन सा कराना पड़ेगा? लिखिए क्वेश्चन नंबर वन, लाइन खींच लो। मार्कर लिखे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। यहां लगा दो, टोटल लगा दो, एग्जिस्टिंग पोजिशन या एग्जिस्टिंग सिचुएशन, और अगला लिखिए प्रपोज सिचुएशन। अगला लिखिए प्रपोज सिचुएशन, प्रपोज्ड सिचुएशन। चलिए यहां डाल दो पार्टिकुलर्स,
पढ़िए क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ सर जी। हाँ जी पढ़ लो क्वेश्चन सर जी, क्वेश्चन पढ़ लो। हम अभी कितने यूनिट बेच रहे हैं बेटा? सेल्स यूनिट कितने बेच रहे हैं बेटा? 40,000 यूनिट बेच रहे हैं। कितने यूनिट बेच रहे हैं? 40,000, 14 रुपये के हिसाब से। तो लिखिए सेल्स इन यूनिट्स एडजस्टिंग में 40,000 यूनिट, ये यूनिट है, और सेलिंग प्राइस प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट कितने बिक रहे हैं? 14 रुपए की। टोटल सेल्स 14×56, 5,60,000, 5,60,000। इसे ए बना लो। अब लिखिए बी वेरिएबल कॉस्ट। क्या लिखेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। बी लिखिए वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कितने रुपए की है? डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट कितने की है? 4 रुपए की है। 40,000 यूनिट बेची है, 4×16 1,60,000। नहीं आया समझ में? 40,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से, 4×16। डायरेक्ट लेबर 2 रुपए, 40×80। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 6 रुपए, 6×24 2,40,000। और तो कुछ नहीं है। चलिए टोटल कर लो। कैलकुलेटर महोदय आ जाइए आप भी। 160+80+240, 4,80,000। दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई 4,80। अब हम निकालेंगे सी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन कैसे? ए माइनस बी, 5,60 में से 4,80 लेस कर दो, 80,000 रुपये। ये कंट्रीब्यूशन आ गया, ये सर जी कंट्रीब्यूशन आ गया, सर जी कंट्रीब्यूशन आ गया, सी आ गया, डी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बेटा? क्वेश्चन देखो जरा। हाँ जी कंप्यूटर में देखिए, फिक्स फुल्ली एब्जॉर्ब 4 रुपए, 4×16 1,60,000। 1,40,000 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से, 4×16 1,60। सर जी लॉस आ गया, सर जी तो लॉस आ गया, सर जी लॉस आ गया 80,000 रुपये का, लॉस फॉर द ईयर। ये आगे लॉस आ गया, माइनस में लगा दो, दिस इज द लॉस, दिस इज द लॉस। अब प्रपोज में क्या है, प्रपोज सिचुएशन में क्या है? सेम पहले ये उतार लो, 40 और कितनी यूनिट दे रहे हैं ऑफर? ऑफर कितने का बेटा? 10,000 यूनिट का, 10,000 यूनिट। प्रपोज में हम कितने रुपए से बेच रहे हैं बेटा? 13 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना है?
13 और ये 14। प्रपोज में यही आएगा, पहले तो हम क्या करते 40 यूनिट बेच रहे थे, सेम आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, अभी बताते हैं सेम आ जाएगा 560 बैरबिल कॉस्ट 160 80,000 और 240 480,000। ये 80,000 रुपये का क्या आ गया कंट्रीब्यूशन आ गया, फिस्कल कितनी आ रही थी 160 आ रही थी, ये पोजीशन थी हमारी। लेकिन अब मेरे पास विदेश से एक ऑर्डर आया कि राजीव जी 10,000 यूनिट बना दो और मैं आपको 13 रुपए के हिसाब से पैसे दूंगा। एक्सपोर्टर बोलता है क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी है, अभी मैं कितने बना रहा हूं 40 और मैं कितने बना सकता हूं 80,000, 50% कैपेसिटी बना रहा हूं 40,000 तो 100 में कितनी होगी 80। तो भाई साहब जो फिस्को जो हमारे जो फिक्स खर्चे हुए वो 80,000 यूनिट पे हुए खर्चे फिक्स्ड 160। क्या 10,000 का यूनिट का ऑर्डर आएगा क्या अब फिक्स खर्चे होंगे, क्योंकि सारे खर्चे मैंने कवर कर लिए 40,000 यूनिट पर ही, अब वो खर्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ऑल कवर्ड हो गए 40,000 यूनिट पर 160, तो ये खर्चा तो सर होना ही नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पहले मैं सोचा था मैं 16 रुपए की मेरी कॉस्ट आ रही थी, अब वो कह रहा है 13 रुपए, अब क्या कह रहा है एक्सपोर्टर 13 रुपए, तो मैं ऑफर को शुरू से ही रिजेक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने दिमाग लगाया कि यार अब तो ये खर्चे होंगे ही नहीं, तो अब मेरी कॉस्ट जो है 4 रुपए तो होगी नहीं, तो कॉस्ट कितनी आएगी 16 में से 4 के 12 और एक्सपोर्टर कितने दे रहा है 13, तो 1 रुपए यूनिट के हिसाब से 40,000 यूनिट के 1 रुपए के यूनिट के हिसाब से 10,000 रुपए 10,000 यूनिट 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं आई समझ में, 10,000 यूनिट 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 यूनिट पर 10,000 प्रॉफिट हो गया, तो अब प्रॉफिट कितना रह जाएगा, पहले कितना था 80, 10,000 का ऑफर ले लूंगा तो प्रॉफिट कितना रह जाएगा 70। सर जी करके दिखाओ, हाँ जी करके देख लो, हाँ विश्वास नहीं है अपने मास्टर पर, विश्वास नहीं है, हाँ जी सर जी करके दिखा दो। अरे हाँ हाँ, अरे भाई तुम्हें पता है मैं आधा अधूरा छोड़ दूंगा क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा क्योंकि ऐसी ओवरली बता दिया बस हो गया काम, सर ऐसा नहीं हो सकता, सर जी ऐसा नहीं हो सकता, नेवर। चलिए तो बेटा मैं कॉस्ट देखू, 10,000 यूनिट पर मेटल लगेगी 4 रुपए की, 40,000 मेटल लगेगी और लेबर कितने की लगेगी 20,000 रुपए की लगेगी और 130,000 रुपए की सेल होगी टोटल, उस पर कॉस्ट कैसे आएगी, वेरिएबल ओवरहेड लग जाएंगे 6 रुपए के 60,000 रुपए के, यह आ गया 120 130 में से गए 120 10,000 रुपए, क्या फिक्स्ड कॉस्ट होगी, नहीं होगी सर जी, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी खर्च हो चुकी है, अब 80,000 यूनिट तक खर्च हो चुकी है, 80,000 यूनिट तक खर्च हो चुकी है एक साथ। अच्छा मैं 80,000 से ऊपर का ऑर्डर लूंगा तो फिक्स्ड हो जाएगी, लेकिन हमारे तो लिमिट में ही है ना, अभी तो बना कितने रहे हैं 40, 10 और बना लिए कितने हो गए 50, तो इनका खर्चा तो होगा ही, चाहे ट्यूशन में 100 बच्चे आओ 1,000 आओ 5,000 आओ, जो बिना को जो काम वाली को जो सैलरी दी जाती है 10,000 रुपये, सर जी वो तो देनी पड़ेगी, बाथमैन है 24,000 है, 4,000 बच्चे आ रहे हैं तब भी सैलरी 10,000 रुपये में ले रहा है, 10 बच्चे आ रहे हैं तब भी 10,000 लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बढ़ने से घटने से, ऐसे ही मकान मालिक है किराया जा रहा है, 4,000 बच्चे आ रहे हैं जब भी जा रहा है 1,00,000 रुपये किराया, जब भी जा रहा है 1,00,000 रुपये किराया, और अब
सौ बच्चे आ रहे हैं, जब भी जा रहा है एक बार बनवाया। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, ये होने ये ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके हैं, ये इरिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब आइए टोटल 560 प्लस 31 कितना आ गया, 690,000 टोटल। कितने यूनिट में आ गया, 50,000 यूनिट पर ये आ गया। 148 2,00,000, 80 और 20 1,00,000, 3,00,000, 6,00,000 टोटल कर लो, 6 में से गए 9, 690 में 6,00,000 गए, 90,000 रुपया आ गया, 90,000 रुपये। और ये 160 आ गया, ये 70,000 रुपया आ गया। अब लॉस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसका ऑफर स्वीकार करने से लॉस मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये आ गया 70,000 रुपया आ गया, ऑफर स्वीकार कर लिया। अब आप लिखिए, कमेंट लिखिए, कमेंट लिखो बेटा, डिसीजन भी लिखना पड़ेगा। हाँ जी, और क्या, उतार लीजिए, मैं हट रहा हूं, आप हट रहा हूं, आप क्या करा करो, मैं बताऊ कैसे किया करो। जैसे आपने देखा मैं पूरी स्क्रीन पर हट गया, एक बार रोको, रुक गई वीडियो, फिर एक बार और रोक दो, जो तो गोल गोल जो घूमता रहता है ना भैया, जिसमें मारो गया वो भी हट जाता है। आराम से लिख लो, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे आपको डेली मिल जाते हैं, हैं? ओके, बच्चे की जान लोगे क्या, 1 घंटे की वीडियो के लिए आपको 2.5 घंटे मिल जाते मिल रहे हैं, हैं? 2 घंटे में देख पा रहे वीडियो, हैं? क्या करोगे पेपर में, हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब क्या रह गया, सर जी कमेंट और लिखा दो। हाँ जी लिख लो, तो ऑफर क्या करना चाहिए, ऑफर एक्सपोर्टर का ऑफर क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से क्या हो गया, हमारे जो लॉस पहले के 80,000 के हो रहे थे, अब लॉस 70,000 के रह जाएंगे, अब लॉस मेरे क्या हो जाएंगे सर जी, घट जाएंगे। ये तो बढ़िया हो गया, 10,000 रुपये के नुकसान से बच गया मैं। अगर ये ऑफर नहीं आता होता तो नुकसान कितने का हो रहा था सर जी, 80 का नुकसान कितने का हो रहा था, 80 का। अब ऑफर आ गया, ऑफर आ गया तो नुकसान मेरा और कम हो जाएगा, अब 70,000 हो गया तो ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। लिखिए डिसीजन, डिसीजन ऐसी लिखेंगे आप, लिखो द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, कंपनी को ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्यों कर लेना चाहिए, क्यों कर लेना चाहिए, द अमाउंट ऑफ लॉस, द अमाउंट ऑफ लॉस क्या हो जाएगा सर जी, लॉस हानि का मेरा क्या हो जाएगा सर जी, हानि मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लॉस विल बी रिड्यूस फ्रॉम लॉस, द अमाउंट ऑफ लॉस विल बी रिड्यूस्ड, हानि मेरी कम हो जाएगी, कि कहां से हो जाएगी, फ्रॉम 80,000 टू 70,000। लो जी लो, ये आपका आंसर होगा सर, आपको ऐसे ही लिखना है, साफ साफ लिखना है। अब आपको थोड़ा फर्क दिख रहा होगा पहले की वीडियो में और अब की वीडियो में, थोड़ा फर्क आया होगा सर, वो पुराना सेटअप था, अब हमने थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि हमको भी इतना सब नहीं पता था। चलिए मैंने कहाँ तक निकाली बेटा, बेटा मैंने कहाँ से निकाली है, लिखिए अब आप क्वेश्चन नंबर, मैंने कहाँ से हो गए, पीडीएफ फाइल खोल लो,
दो हो गया, पहला हो गया, दो तो मैंने करा दिया था, तीसरा भी करा दिया था, चौथा क्वेश्चन लगाइए इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर चार लगाइए, वेरी इंपोर्टेंट। सर जी बहुत बढ़िया है, सर जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। पहले मिटाता हूं, मजा लेने से पहले थोड़ा मैं पानी सानी पी लूं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है बेटा, गर्मी बहुत हो रही है। गिलास भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, गिलास भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। गिलास ले लीजिए। चलिए अब मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना रहा हूं, कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड माई स्क्रीन ऑन क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फोर आ चुका है, कंप्यूटर मास्टर जी ने क्वेश्चन नंबर फोर भेज दिया है। अब हम पहले पढ़ते हैं, सर जी मजेदार क्वेश्चन है, सर जी मजा आ जाएगा आपको पढ़ने के बाद। देखिए ये लगाइए इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ए मशीन शॉप इन ए फैक्ट्री इज वर्किंग टू इट्स फुल कैपेसिटी। एक मशीन है जो फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है, फुल कैपेसिटी मतलब जितनी क्षमता है मशीन की। अभी पीछे कराया था वहां पर 50% कैपेसिटी थी, अगर फुल पे करती तो कितने जाते 80,000 यूनिट बना सकती थी वो एक महीने के अंदर, लेकिन यहां पर पहली बार फुल कैपेसिटी काम कर रही है। अगर मैं कोई और काम ऑफर आता है तो वो जो प्रॉफिट में पहले कमा रहा था वो अब मैं कमा नहीं पाऊंगा, मैं फुल कैपेसिटी में काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे पहले ही मेरे पास घंटे नहीं है काम करने के लिए, समय ही नहीं है। अगर मेरे को कोई ऑफर करता है तो मेरा लॉस हो जाएगा, उस लॉस की भरपाई कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अंडरलाइन कर लो, फुल कैपेसिटी एंड अर्निंग कंट्रीब्यूशन 50 रुपये पर आवर, और हम 50 रुपये पर घंटे कमा रहे हैं, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो मैं कितने घंटे कमा रहा हूँ 50 रुपये। अगर मैं 10 घंटे का ऑफर किसी का स्वीकार कर लेता हूँ तो मैं 10 घंटे काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उसका काम करना है। तो मैं पहले क्या कमा रहा था, 1 घंटे कितने कमा था 50 रुपये, तो 500 रुपये का मेरा नुकसान हो जाएगा 10 घंटे में। अब मैं वो कमा नहीं पाऊंगा, अब मैं वो कमा नहीं पाऊंगा। अब देखिए तो वो जो मैं कमा नहीं पाऊंगा उस ऑफर से वसूल करूंगा जो ऑफर मुझे दिया है। तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, द मैनेजमेंट रिसीव ए हाई प्रायोरिटी ऑर्डर, द मैनेजमेंट ए हाई प्रायोरिटी ऑर्डर विच डिमांड टू एग्जीक्यूट इमीडिएटली। कह रहा है मेटेरियल बिल सप्लाइड बाई द कस्टमर, कह रहा है मेटेरियल, कह रहा है वो जो आदमी ऑफर दे रहा है वो कह रहा है कि भाई मेटेरियल मैं दे दूंगा तो मेरा माल बना दो, माल मैं दे दूंगा, प्लास्टिक में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्पेशल ऑर्डर विल बी मिनिमम ऑफ 10 घंटे, और जो ऑफर दे रहा है बनाने के लिए मेरी मशीन पर काम उस पर 10 घंटे लगेंगे, तो 10 घंटे जो पहले मेरा काम हो रहा था वो काम नहीं हो पाएगा। जो मैं पहले पढ़ा रहा था, एक लड़की आई कि सर जी मेरे को जो है 10 घंटे पढ़ा दो, मुझे टैक्स पढ़ा दो, इनकम टैक्स। अरे भाई मैं पहले कैसे पढ़ा लूंगा, मेरे पास घंटे ही नहीं है, या तो मुझे पुराने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा जब जब लड़की को पढ़ाऊंगा। तो वो देख रहा हूं कि उस लड़की को क्या कॉस्ट लू मैं उस लड़की से, तो वो कह रही है देखना ध्यान देखिए बेजी पेबल बिल भी 15 बराबर। अब मैं यहां से जाऊंगा तो ड्राइवर हायर करना पड़ेगा, उसको मजदूरी देनी पड़ेगी घंटे की 15 रुपये, और वहां पर चाय पानी पीऊंगा रास्ते में जाऊंगा वो भी करना पड़ेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड विल बी 150% ऑफ वेजेस, मजदूरी का कितना लगेगा 150% लगेगा। इफ द कस्टमर इज प्रिपेयर्ड टू पे ऑफ 800 रुपये, वो कह रहा है, वो लड़की कह रही है 800 रुपये दूंगी इस ऑर्डर को, मुझे वो कितने रुपये देने तैयार है 800 रुपये। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे मेरे पास कॉस्ट क्या आएगी। पहले वो जो लड़की जो मुझे ऑफर कर रही है कि सर मैं आपको 800 रुपये पे करूंगी 10 घंटे में, अब मैं पहले अपने 10 घंटे की कॉस्ट तो निकाल लूं,
अगर मुझे लगेगा तो ठीक है, नहीं तो अब मुझे ये बोल लड़की क्या कर रही है, सर मुझे 10 घंटे इनकम टैक्स पढ़ा दो और मैं आपको 800 रुपये पे करूंगी। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 10 घंटे में मेरी कॉस्ट क्या आएगी, बस यही है। अगर ज्यादा आ रही है कॉस्ट मैं ऑफर को स्वीकार नहीं करूंगा, कम आ रही तो स्वीकार कर लूंगा। तो देखिए अभी देखते हैं। तो कह रहा है शुड द ऑर्डर बी एक्सेप्टेड, क्या लड़की का जो ऑफर है क्या मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, तो वो देखना है। तो कह रहा है द ऑर्डर बी एक्सेप्टेड, क्या उसके कस्टमर के ऑर्डर को क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट क्या रही है। चलिए आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 10 मशीन आवर्स। एक बात आओ, जो मैं पहले काम कर रहा था उस पर मेरा कितना पकड़ हो रहा था, 1 घंटे पे 50 रुपए का। अब 10 घंटे तो मैं 10 घंटे में कितने कमाता था, सर जी 500 रुपए कमाता था। अब वो क्या मैं कमा पाऊंगा जब मैं वो काम ही बंद कर दूंगा। अब जब मैं 10 घंटे में काम ही नहीं कमा ही नहीं पाऊंगा, मैं घर से बाहर रहूंगा, मैं पढ़ाने जाऊंगा, तो मेरा ये लॉस होगा या नहीं होगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी लॉस, इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वो कह रहा है कि भाई माल मेटेरियल तो मैं दे दूंगा कह रहा है, लेकिन मजदूरी लगेगी, तो लेकिन वेजेस लगेगी, वेजेस ऑफ 10 घंटे काम होगा, 10 मशीन आवर, 10 घंटे लगेगा इंटू 1 घंटे कितने, 15 रुपए, 150 रुपए हो गए, 150 रुपए की कॉस्ट ये आएगी। वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड ऑफ 10 मशीन आवर्स, 10 इंटू नहीं, यहां 10 इंटू नहीं आएगा, देखना पड़ेगा वो क्या कर रहा है। मजदूरी का 150%, 100% में कितना हो गया, 150 और 5 और 9 जोड़ लो, 5 × 75 225 निकाल लो। आप निकाल लो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप निकाल लो बेटा, और तो कुछ नहीं आएगा नहीं। 5 और 2 = 7 और 8, सर जी 875 रुपये आएंगे। सर जी एक वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 875 रुपये आ रही है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 875 रुपये आ रही है वेरिएबल कॉस्ट। तो टोट पिछे हम क्या बोलेंगे, मेरे लिए मेरी क्या बन गई, वो टोटल कॉस्ट बन गई, मेरी लागत बन गई। अब ऑफर कितने का आ रहा दे रहा है, वो प्राइस टू बी ऑफर्ड बाय कस्टमर, प्राइस टू बी ऑफर्ड, प्राइस टू बी ऑफर्ड, टू बी ऑफर्ड OWFERED by the कस्टमर, प्राइस टू बी ऑफर्ड by the कस्टमर। कस्टमर ने मेरे को ऑफर कितने दिया, कितने का, वो कह रहा है मैं 800 रुपये दूंगा, जबकि कॉस्ट कितनी आ रही है काम करने पे, 875 रुपये। क्या मैं ऑफर पागल हूं मैं क्या, वो कितना दे रहा है मेरे को 800, मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर मैं बनाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आ रही है, और वो ग्राहक कितने दे रहा है, 800 रुपये। ले लू पागल हूं मैं, नुकसान हो जाएगा, कितने रुपए का, 75 रुपए का।
सर जी 75 का नुकसान हो जाएगा। क्या मैं नुकसान पर काम करूंगा? मैं तो पहले ठीक था, काला काम भी करूं, टेंशन भी लूं, कोई जरूरत नहीं है। तो लिखिए लिखिए, तो लॉस कितना हो गया? सर जी लॉस हो जाएगा 875 माइनस 800, सर जी 75 का मेरा लॉस हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा? लॉस। सो द ऑफर देयरफोर द ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, द ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब मुझे ऑफर को स्वीकार करना नहीं चाहिए। एज देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी, एज देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी, मतलब मेरे पर कोई बेकार समय नहीं है, मतलब खाली समय ही नहीं है, मशीन खाली नहीं है। अगर मशीन खाली होती तो ऑफर में क्या करता? स्वीकार कर लेता, फिर मेरा नुकसान नहीं होता। तो मेरी कॉस्ट सिर्फ ये आती 275 रुपए की कॉस्ट आती, और ऑफर कितने का था? 800 का था, और मेरी कॉस्ट कितनी आती? सर जी 425 रुपए का फायदा हो जाता। लेकिन मेरे पास खाली घंटे नहीं थे, खाली घंटे ना होने के कारण, अगर मेरे पास खाली घंटे होते तो कितना प्रॉफिट हो जाता? 425 रुपए का प्रॉफिट हो जाता सर। लेकिन मेरे पास मशीन फुल कैपेसिटी काम कर रही थी, खाली घंटे नहीं थे, उसके कारण मेरी कॉस्ट ये आ रही है 870 रुपए। ऑफर कितने का आया? 800 का। ऑफर स्वीकार कर लूं? मत करो सर, करने से क्या होगा? सर जी आपका नुकसान हो जाएगा 75 रुपीज का। यही बात मैंने लिखी है, डिसीजन ध्यान लिख लो बेटा, कमेंट लिख दो, ऐसे लिख दो, या डिसीजन लिख दो ऐसा ही, ठीक है, ऐसे लिख लो बेटा, यही नंबर मिलेंगे आपके। रोक लो, रोक लिया करो, मैं इंक डाल दूं अगले क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन के लिए उतार लो बेटा, मैं इंक डाल देता हूं, आप उतार लो बेटा, उतार लो बेटा, नन्हे मुन्ने बच्चे उतार ले। प्रकाल कहां है? प्रकाल हेलो भैया, हट गया मैं, अरे बता देते तुम। अबे चलिए हो गया, उतार लिया, रोक लिया करो, एक बार दबा दो उंगली, रुक गया, फिर स्क्रीन पर पूरा साफ देखने के लिए एक बार और दबा दो, सर स्क्रीन पूरी रुक जाती है। चलिए आज मैं आपको बेटा जी चार क्वेश्चन कराने हैं, आज हमको चार क्वेश्चन कराने हैं आपको। अब आप करिए क्वेश्चन नंबर फाइव, इंपोर्टेंट लगा दीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आ जाएगा। सर जी
फिगर चेंज भी नहीं होंगी सर जी, फिगर भी चेंज नहीं होंगी, बाबला हो जाएगा देख करके कि राजीव जी ने इम्प्लांट लगवा रखा था। सर जी वही कुछ ना, हाँ जी ऐसे ही होता है, और ये ऐसे ही आ जाते हैं 75 out of 75 मैनी बच्चों को मैनी टाइम्स 21,000 रुपए का इनाम दिया है मैंने कैश में। बच्चा सोच करके भी मजबूर जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक मास्टर कैसे दे सकता है इतना अमाउंट। सर जी मैंने बच्चों को दिया है। सर हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगा, पैसा सब यही छोड़ जाऊंगा, बच्चे मुझे कल को याद करेंगे क्या हमारे गुरु जी ऐसे थे। अमर का मतलब ये नहीं है कि आदमी की कभी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो सर जी श्री कृष्ण भगवान की भी हुई थी, बट 125 साल पर हुई थी। लोग कहते सर जी वो अमर है, अमर का मतलब सर वो आज भी अमर क्या, महाभारत हुए कितने साल हो गए, आज भी लोग उन्हें बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि एक वो थे श्री कृष्ण भगवान थे हैं, तो वो अमर हो गए, इसी को बोलते हैं अमर। अमर का मतलब ये नहीं है कि वो मरेंगे नहीं कभी भी, नहीं नहीं सर। चलिए अच्छा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन बेटा, बेटा कौन सा क्वेश्चन है, क्या है 5। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। हाँ जी ला दिया, कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर जी, मजा आ जाएगा। पहले मैं पढ़ाता हूं आपको, कह रहा है एक्स वाई लिमिटेड हैज एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 90,000 यूनिट, 90,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, और मोटर कंपोनेंट, एक कोई कंपोनेंट बनना, कोई पार्ट बनना है, कहते हैं कंपोनेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो, आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, मेटेरियल कॉस्ट 270 रुपए आ रही है, लेबर पे आ रही है 180 रुपए, जिसमें फिक्स इसमें शामिल है, मतलब 75% फिक्स, 25% क्या है वेरिएबल है, हमें वेरिएबल देख रहे हैं, वेरिएबल कितने 90 रुपए फिक्स एक्सपेंसेस है, और फिक्स कितने 35 रुपए, कहता 76 रुपए कॉस्ट आ रही है। तब परचेज मैनेजर है ऑफर फ्रॉम सप्लायर हु इज विलिंग टू सप्लाई द कंपोनेंट एट 540, मेरे पास ऑफर आया, मैं परचेज मैनेजर हूं, मेरे पास एक ऑफर आया मार्केट से, एक सप्लायर आया, कहता सर जी जो आप कंपोनेंट आपको चाहिए ना, जो आप अपनी फैक्ट्री बना रहे हो उसकी कॉस्ट 76 रुपए आ रही है, आप ना बना रहे हो तो, और मैं इसको 540 में बना दूंगा, 540 में दे दूंगा, आप बताओ क्या मुझे एक बार बताओ मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है 76, देखने से ऐसा लग रहा है या सस्ते में पड़ रहा है, सही है यार 540 में मिल जाएगा। आगे कह रहा है शुड द कंपोनेंट बी परचेज और प्रोसेस स्टॉप, तो कह रहा है क्या ये क्या उसके कंपोनेंट को परचेज कर लेना चाहिए और अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर दूं मैं, तो सर चेक करना पड़ेगा, देख कर तो ऐसा लग रहा है आहा मजा आ गया, लाट टपक गई 540 रुपए दे रहा, मेरे भी कॉस्ट कितनी आ रही है 670 रुपए। सर जी यही तो चीज है, तो देखिए इसे बोलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन, इसे क्या बोलते बेटा, सर जी इसी को तो बोलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए क्या है भाई साहब, ये पीडीएफ फाइल जैसी टेढ़ी जाती है पलट जाती है, क्या जाती है पलट जाती है, तो लीजिए लीजिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो देखिए मेटेरियल, मेटेरियल कितनी आ रही है सर जी 270 रुपये आ रही है, एक यूनिट पे आ रही है, लेबर आ रही है, लेबर आ रही है 180, 25% 180 का 25% निकाल लो, 180 का 25% निकाल लो सर जी 45 कितनी आएगी 45, फिक्स नहीं लूंगा मैं, वो ऑलरेडी इनकर्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने आएंगे सर जी 90 लूंगा, 90 रुपए 385 रुपए 385 रुपए की कॉस्ट आएगी एक कंपोनेंट को बनाने की,
अब मुझे ये देखना पड़ेगा क्यों आएगी, 90, 45 और 270 जोड़ लो, 270, 45 और 90 405 आएगी बेटा, 405 आएगी मेरे बच्चे। इसलिए कहते हैं ध्यान से जल्दी मत करो, गलतियां हो जाती हैं, इंसान से हो जाती हैं। ये हमारा पीडीएफ फाइल ऊपर नीचे हो जाती है तो मेरा आंसर भी ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए अब ये क्या है, ये सर जी बैरवेल कॉस्ट है, ये बैरवेल कॉस्ट है, बैरवेल कॉस्ट व्हेन कंपोनेंट इज प्रोड्यूस्ड, जब मैं बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी सर जी, 405 रुपए आएगी। और सप्लायर क्या दे रहा है, सप्लायर प्राइस कितना है, 540 रुपए। अब बताइए, और ये देखिए कितने का फायदा हो रहा है, निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लो। देखो एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस, एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस, एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, ओवर वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 540 माइनस 405, लेस कर दो 135 रुपए ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज 135। 135 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इज रुपीज 135 रुपए। लिख लीजिए, लिख लो, एक नोट लिखो, नोट में नीचे लिखाऊंगा, एग्जाम में नहीं लिखना। बस मेरा आंसर हो गया डिसीजन, या कमेंट दे दो, कुछ व्यक्ति से रिकमेंडेशन बोलते हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में पूछे, सबका मतलब बेटा जी एक ही है, सबका मतलब बेटा एक ही है। तो लिखिए द कंपनी शुड मेक द कंपोनेंट, द कंपनी, द कंपनी शुड, द कंपनी शुड मेक, मेक मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर करना, मेक द कंपोनेंट, राइटिंग मत देखा करो, बस आवाज सुन लिया करो, मेक द कंपोनेंट इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब जानते हो, स्वयं बनाएगी कंपनी का, कंपनी को इस कंपोनेंट को खुद बना लेना चाहिए। बिकॉज क्यों बनाना चाहिए, बिकॉज कॉमा लगाया करो हमेशा, बिकॉज देयर फोर के बाद, इट परचेज फ्रॉम आउटसाइड, इट परचेज फ्रॉम आउटसाइड, अगर मैं बाहर से खरीदता हूं, इट परचेज फ्रॉम आउटसाइड कॉमा इट विल कॉस्ट कॉमा इट विल कॉस्ट, इट विल कॉस्ट 135, इट विल कॉस्ट रुपीज 135 पर यूनिट, 135 रुपए पर यूनिट कॉस्ट मेरी ज्यादा आ जाएगी, पर यूनिट मोर ज्यादा, 135 रुपए शुड बी। चलिए अब सर जी एसी और दिखा दो,
पहले आप उतार लो, आप उतार लो, आप इसके नीचे लिखिए, आप इसके नीचे लिखिए, आप उतार लो, मैं हट जा रहा हूं। तो जी मैं हट गया, उतार लो। चलिए सर जी एक चीज और लिखा दो। हाँ जी बिल्कुल लिख लो, हम तो आपको लिखानी तो बैठे हैं। सर जी एक चीज और लिखा दो कि यहां पर फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं ली है, इस चैप्टर में फिक्स कॉस्ट के अलावा है क्या? मैंने शुरू में इतनी हिंदी में लिखा दिया, इंग्लिश में लिखा दिया, उर्दू मेरे को आते नहीं। अरमान भाई पढ़ते हैं, उनके घर जाकर ट्यूशन लगाओ। अरमान भाई हैं, एक बच्ची और भी आती है, क्या नाम है उसका, ओहो नाम भूल जाता हूं मैं, उसका नाम मेरे मोबाइल में है, क्या बोलूं मैं, नाम भूल गया मैं, बहुत दूर से आती बच्ची, जॉब भी करती है दरियागंज में। चलिए चलिए लिखिए, फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 270। कैसे आया सर जी, मैं अभी कराता हूं, पर यूनिट। सर जी सब लिखा दूंगा, मतलब मेरी जो फिक्स कॉस्ट आ रही है वो सर जी 270 रुपए पर यूनिट आ रही है, 270 रुपए यूनिट आ रही है। उसका ब्रेकअप मैं आपको अभी देता हूं, कैसे आ रही है, एंड इट विल हैव ऑलरेडी इनकर्ड, हैव ऑलरेडी इनकर्ड या हैव टू बी इनकर्ड, एक ही बात है, वो खर्च हो चुकी है। इट विल हैव टू बी इनकर्ड, वो खर्च ऑलरेडी हो चुकी है। वेदर कंपोनेंट इज मेड, कंपोनेंट इज मेड और नॉट, चाहे कंपोनेंट को आप बनाओ या ना बनाओ। चलिए आगे लिखिए, मेड और नॉट, या पर्चे लिख दो, परचेज्ड, बनाना खरीदना, चाहे कंप्यूटर को बनाओ या खरीद लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो खर्च तो होनी है, वो हो चुकी है। अब वो, अब अगर मैं ऑर्डर स्वीकार करूंगा अब वो नहीं होगी। सर जी ये कैसे आए 270? सर जी इसके लिए वर्क नोट बनाओ, इसके लिए नोट नंबर 2 डाल दो, कैसे आया लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिक्स्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए थे, ₹180 75%, 180 का 75% निकाल लो, 180 का इंटू 75, 135, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस ₹135, टोटल फिक्स कॉस्ट उतार लीजिए बेटा, उतार ले मेरे बच्चे। बस ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये लास्ट है, चैप्टर का लास्ट है, फिर मैं आपको कराऊंगा रिकंसिलिएशन, सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बढ़िया चैप्टर है, उसमें 10-12 क्वेश्चन कराएंगे। सर जी उसमें 6 लेक्चर लग जाएंगे कम से कम,
कम से कम 6 लेक्चर लग जाने हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है सर जी, वो सबसे मुश्किल चैप्टर है और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने वैंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसको आता है सर जी, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन राजीव जैन समझाएगा, राजीव जैन सर जी आपको समझाएंगे तो फिर दुनिया में कोई भी चीज ऐसी मुश्किल नहीं है कि आपके समझ नहीं आए। ऐसा तो हुआ ही नहीं आज तक। राजीव जैन से पढ़ने के बाद बच्चा डेली कवर कर ले, दुनिया में ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं बना जो बच्चे के आज तक समझ नहीं आया। सर जी समझ क्यों नहीं आएगा है? ना समझने की फीस ले रहे हैं। आज 31 साल हो गए, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और बाद में घंटी बजा दिया करो। आप करो, अपने दोस्तों से कराओ, मोहल्ले में गली मोहल्ले में कराओ, अपने रिलेटिव से बोलिए पसंद आए एक बार वीडियो जरूर देखिए। सबसे बोलो प्लीज, आप ही लोगों के द्वारा आज हम यहां पहुंचे हैं। यही तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे बच्चे हमको हर साल पढ़ाने को मिल जाते हैं। सर आज हम यहां पर हैं सिर्फ आपके ही बदौलत है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं और सलूट भी करते हैं क्योंकि आप आज हम जो भी हैं बच्चों सब आपके वजह से हैं। ये क्वेश्चन मैंने हालांकि करा दिया है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ मिस्टेक भी थी, उस मिस्टेक को मैंने ठीक भी कर दिया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 10 ईयर्स में था, वहां मिस्टेक थी, अब मैंने इस मिस्टेक को ठीक कर दिया है। चलिए क्वेश्चन में मिस्टेक थी। कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑन माय स्क्रीन। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। पढ़िए, ए रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड दैट व्हाइल इट्स कॉस्ट 6.5 रुपए टू मेक द कंपोनेंट आर 518। बच्चा इसको रुपी समझ जाता है जबकि उस कंपोनेंट का नाम है R518। उसका नाम है कंपोनेंट का, बच्चा इसको रुपी समझ लेता है, रुपी समझ लेता है बच्चा। ये जानबूझ के बच्चे को गुमराह किया जाता है, बच्चा पागल रहता है, दिमाग के कुत्ते फिर जाते हैं कि ये क्या है इसका, जबकि कंपोनेंट का नाम है। द सेम इज वेरिएबल इन द मार्केट एट 5 रुपए 75 पैसे ईच विद एन एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड सप्लाई। द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉस्ट इज मैटेरियल, ये लगाएगा लेबर, यह है कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट है, डेबिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट है। कहता है स्टेट द कंपनी शुड मेक और बाय एंड वाई, कंपनी को ये क्यों बनाना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, आपको उसका डिसीजन लेकर बताना है, विजन बताना है। सेकंड पॉइंट का आंसर हम बाद में देंगे। कह रहा है अगर ये जो एक ऑफर करे सप्लायर 485 पैसे में तो क्या इसको ऐसा करना चाहिए, ये दोनों के आंसर अलग अलग देने हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है और मेक और वाई खत्म हो जाएगी। बेटा जी मेक और वाई खत्म हो जाएगा इसी के साथ। चलिए 10 मिनट में करा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन नहीं ले लेगा। हाँ जी बच्चे टेंशन ले लेते हैं। लिखे वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, दो लिखिए, ये हैंड डाल लो ऐसे, ये हैंड डाल लो यूं करके डबल लाइन खींच के, ब्रेकअप दे रखा है उनका, ब्रेकअप दे रखा है, ब्रेकअप वो वाला नहीं समझ रहा है बेटा, ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है जो आप समझ रहे हो, आप कुछ भी समझ सकते हो। हाँ जी एक यूनिट कॉस्ट आ रही है,
लेबर आ रही है, 1 रुपये 75 पैसे, और क्या आ रहा है, अदर लेबर कॉस्ट आ रही है, 50 लेंगे नहीं सर जी, टोटल कर दो। बस जी हो गया क्वेश्चन। अरे सर वाह सर जी, तो बहुत ही है। हाँ जी ऐसे ही आ जाते हैं एग्जाम में, बच्चे ने करा है तो कर देगा, बनना सेवा में सबने निवेदन लिख देगा, मास्टर में बटकी फोड़ देगा। ये आ गया 5 रुपये 25 पैसे टोटल आ गया, टोटल वैल्यू कॉस्ट आ गई, टोटल डीसी आ गई। लिखिए आंसर, लिखिए डिसीजन, क्या लोगे डिसीजन, क्या लोगे डिसीजन, 5 से 25 पैसे, ऑफर कितने का आ रहा है, 5 जो आया सप्लायर जो बोल रहा है मार्केट में वो 5 रुपये 75 पैसे का मिल रहा है, मार्केट में कितने का मिल रहा है सर जी, 5 रुपये 75 पैसे का मिल रहा है। अगर मैं इसे बनाऊंगा तो मेरे को कितने का पड़ेगा, 5 रुपये 25 पैसे का बनेगा, तो क्या करूंगा, बना लूंगा, अगर बनाऊंगा तो फायदा हो जाएगा, कितने फायदा हो जाएगा, 50 पैसे का। और चलिए एक मिनट पर 5 पैसे का, अगर 1 लाख यूनिट का ऑर्डर आ गया, 1 लाख इंटू 50 का फायदा हो गया, बैठे बैठे तो लिखो द फर्म शुड मेक द कंपोनेंट, द फर्म शुड मेक द कंपोनेंट, फर्म को कंपोनेंट क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए, एज द वेरिएबल कॉस्ट इज 5 रुपये 25 पैसे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर, 5 रुपये 25 पैसे आ जाएगी पर यूनिट, एंड द परचेज प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, एंड द परचेज प्राइस, द परचेज प्राइस कितने का, 1 रुपीज 5 रुपये 75 पैसे। ये हो गया आंसर आपका, जबकि एंड द परचेज प्राइस इज 5 रुपये 75 पैसे। एक नोट लिख लो, बाद में लिखा दूंगा, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ, जो नोट होगा वो आंसर का पार्ट नहीं है, लिख दो आप, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, बट जो है बस वही देना है आपका, यही आंसर है, पहले ही आप मेन आंसर दो, बाद में आप जो मर्जी करते रहो, मास्टर मेन आंसर देखता है, बस नंबर आपके सी है, बस ये आंसर है, द फर्म शुड मेक द कंपोनेंट, बस ये आंसर है, बाकी तो कहानी है। हाँ लिखे केस टू में क्या कर रहा है बेटा, देख के पता लग रहा है, अब वो कह रहा है क्या कर रहा है, व्हाट शुड बी योर डिसीजन, आपका आंसर क्या होगा, इफ द सप्लायर ऑफर द कंपोनेंट एट 4 रुपये 85 पैसे, वो कह रहा है 4 रुपये 85 पैसे में खरीद लो, ऑफर कर रहा है, अब मेरी ब्रांड में कॉस्ट क्या आ रही है 5 रुपये 25 पैसे, तो क्या करूंगा, खरीद लूंगा मार्केट से, कोई सस्ता पड़ेगा फायदा हो जाएगा मेरे को, 4 रुपये 85 पैसे और कितना, 5 रुपये 25, 4 रुपये 85 पैसे, 40 पैसे का फायदा हो जाएगा, पर बनाने की टेंशन खत्म, मार्केट जाओ ले आओ, तो क्या करूंगा, परचेज फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, मतलब दिस ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज 40 पैसे का हमें क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। सर इस बात को सब बातें लिख लेते हैं, ऐसे आपका आंसर नहीं देना, ऐसे जो मर्जी पेल दिया,
तो लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख लीजिए, सिंस द ऑफर प्राइस, सिंस द ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस कितना है, ऑफ रुपीज 4.50 इज लेस देन, जो कम है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से, इज लेस देन द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 5.25 वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 5.25 पर यूनिट। आगे देखिए, देयरफॉर द कंपनी शुड, देयरफॉर द कंपनी शुड, देयरफॉर द कंपनी शुड परचेज द कंपोनेंट, द कंपोनेंट, इसको क्या करना चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम द मार्केट, इस कंपोनेंट को मार्केट से परचेज कर लेना चाहिए, मार्केट। ये है आंसर, आंसर के मेन उस पर अंडरलाइन कर लो, यहां से अंडरलाइन कर लो, बस आप इतना ही लिख के दे दोगे, मास्टर समझ जाएगा कि लड़के में नॉलेज है। उतार लो, फिल्म का लास्ट चल रहा है, बस लास्ट सीन चल रहा है, ब्लेन मरने वाला है, चलिए बस एक नोट लगा दूं, हिरास के बारे में हर बार लिखाया है, सर जी इसमें भी लिखा दो, हाँ जी बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल लिख लो, एक एक हिरास के ऊपर रट लो, ताकि हर एक में कोई पेल देना, रट लो बस, जैसे अंग्रेजी में मास्टर जो ना 100 की बजाय एक क्वेश्चन लिखा देता है, और बच्चे पेल जाते हैं, चाहे क्वेश्चन मास्टर कहता है बेटा अंग्रेजी में क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, बस तू ये लिख गई हो, बस 10 का नंबर का है, 8 नंबर का है, 8 में आधे तो देगा, सख्त थोड़ी बनने आई है। लिखिए नोट, अरे सब बनने का आई है, देखो डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। आगे लिखिए, बिकॉज दे हैव टू बी इनकर्ड, बिकॉज दे हैव, बिकॉज दे हैव टू बी इनकर्ड, बिकॉज दे हैव टू बी इनकर्ड वेदर द कंपनी, वेदर द कंपनी, वेदर द कंपनी, कंपनी मेक द कंपोनेंट, मेक द कंपोनेंट और परचेज फ्रॉम मार्केट,
और पर्चे फ्रॉम द मार्केट और परचेज फ्रॉम द, इसको रट लो, फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जहां भी आए बस लिख देना लास्ट में, ठीक है। चलिए एक चीज और लिख लो, जाते जाते चलते चलते एक कॉन्सेप्ट और समझा दो सर, लिख लो लिख लो लिखो, वेरिएबल एक्सपेंसेस एक्सपेंस, हिंदी में लिखा उसे, ये कॉमन है, एग्जाम में कुछ भी लिखना। देखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस काम के हिसाब से बढ़ते और घटते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस काम के हिसाब से बढ़ते और घटते हैं, मतलब ऑर्डर लेंगे तो होगा वरना नहीं होगा, मतलब दैट मीन्स लिख लो, मतलब ऑर्डर लेंगे तब होगा वरना नहीं होगा। ये चलते चलते लिखा दिया, एग्जाम में नहीं लिखना, मतलब काम होगा तो आएगा वरना नहीं आएगा। सर जी ये चैप्टर खत्म हो गया, अब अगला चैप्टर होगा कंसीडरेशन स्टेटमेंट। सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते।